पंजाब ने अपनी मांग की, हरियाणा अपनी मांग करेगा। खट्टर साहब को कम से कम 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगने चाहिए, और आधे चंडीगढ़ का हिस्सा मांगना चाहिए, चंडीगढ़ का बंटवारा होना चाहिए, हरियाणा के हिस्से में आधा चंडीगढ़ आए और 20,000 करोड़ रुपए, ताकि हरियाणा अपनी राजनीति बनाए। और अगर खट्टर साहब इस बात में नाकामयाब रहे तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, हम अपनी राजधानी बनाएंगे चंडीगढ़ आदि बंटवा के। मैं इतना ही कहूंगा कि भारत माता का लाल करेगा कमाल केजरीवाल के। हरियाणा के अंदर पंजाब का रिजल्ट आने के बाद जनता ने एक जागरण चलाया, एक आंदोलन चलाया कि चलिए इन भ्रष्टाचारी पार्टियों को खत्म करके, जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करके ईमानदार राजनीति को लाएं, काम की राजनीति को लाएं। और जनता आज हरियाणा के अंदर बहुत उत्साह के साथ आम आदमी पार्टी में आ रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम क्लीन इमेज के लीडर्स को आम आदमी पार्टी के अंदर लेंगे, जिनके अपराधी छवि ना हो, वो अपराध में युक्त ना रहे हों, भ्रष्टाचारी ना हो, उनका करेक्टर खराब ना हो। आज अशोक जी आए, अशोक जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली मॉडल को हरियाणा में लाने के लिए अशोक जी पूरी मेहनत करेंगे और एक अच्छे लीडर साबित होंगे। जिम्मेदारी क्या देंगे सर उनको? जिम्मेदारी तो राष्ट्रीय संयोजक का मुद्दा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मुद्दा है, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता। वहीं सर चंडीगढ़ का मुद्दा भी गरमा रहा है, विपक्ष बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी और हरियाणा में क्या जवाब। देखिए, केंद्र सरकार को कांग्रेस से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच को छीना, ताकि हम FIR न लिखवा सके, अपराधी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना करा सके। फिर इन्होंने हमारी सर्विसेज छीनी। अब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो चंडीगढ़ से पंजाब के रूल हटा दिए गए, केंद्र सरकार के रूल लगा दिए गए। पंजाब ने अपनी मांग की, हरियाणा अपनी मांग करेगा। खट्टर साहब को कम से कम 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांगने चाहिए, और आधे चंडीगढ़ का हिस्सा मांगना चाहिए, चंडीगढ़ का बंटवारा होना चाहिए, हरियाणा के हिस्से में आधा चंडीगढ़ आए और 20,000 करोड़ रुपए आए, ताकि हरियाणा अपनी राजनीति बनाए। और अगर खट्टर साहब इस बात में नाकामयाब रहे तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, हम अपनी राजधानी बनाएंगे चंडीगढ़ आदि बंटवा के। अभी अभी वैसे वहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ मीडिया को एड्रेस करेंगे। मैं सबसे पहले, क्योंकि केजरीवाल से हमारी उनसे एक औपचारिक यहाँ पर मुलाकात थी, उनका मार्गदर्शन लिया, उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद जो है इस देश को बचाने की जो लड़ाई है उसी के साथ हम जुड़ करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहूँगा कि भारत माता का लाल करेगा कमाल केजरीवाल केजरीवाल। बाकी हम नहीं, क्या वजह रही कि 4 महीने में ही आपको TMC को छोड़ना पड़ा? वहाँ सब सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ बताएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।